मोहम्मद शरीफ मेरे भाई है, उनके 1:30 बजे के टाइम पे इनके पर हमला हुआ मोहरी के बारे में। ये मोहरी के बारे में सर्वे कर रहे थे, पार्टी के लीडर आके उनके ऊपर हमला, जानलेवा हमला करे, अगर उनको कल कुछ भी हो गया कौन जिम्मेदारी लेते? उनके 2 बीवियां हैं, 4 बच्चे हैं, 25 आदमी आके एक आदमी के ऊपर हमला करे तो एक आदमी क्या कर सकेंगे? कल अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो कौन लेते जिम्मेदारी? कौन सी पुलिस लेती? क्या बाबा फसीउद्दीन लेता क्या अभी जिम्मेदारी? हमको शाली खलील नंदा और ये नाम उतने आदमी के नाम याद नहीं है मेरे को, 25-30 आदमी थे, ये लोग हमारे भाई के ऊपर हमला करे। हमको क्या करने की, हमला करने की वजह? ये मोहरी का काम और ये रोड़ों के काम करा रहे, इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इन लोगों को पार्टी भी अच्छा ही करने जा रहे हैं, इनको पार्टी में मिलो भर, ये पार्टी में नहीं मिलते बोले से इनके ऊपर हमला कर रहे, ये अच्छे काम कर कांग्रेस पार्टी के, ये हमारे भाई कांग्रेस पार्टी के है, TRS पार्टी के है, ये TRS पार्टी वाले जान और रात में क्वारंटाइन करा दिया उनको, दिल्ली को गए थे ना 6 महीने के बाद आने के बाद में उनको क्वारंटाइन कराए, रात में 12 बजे घर पे आए, गुंडों को भी जाए और औरतों को अलग क्वारंटाइन करते बोले, बच्चों को अलग क्वारंटाइन करते बोले, पूरे घर को क्वारंटाइन करते बोले। अगर आज जान लेने की पूरी ताक में थे वो लोग, आज हमारे दूसरे भाई जाके उनको बचा के लेके आए, अगर हमारे भाई न गए तो उनका काम तमाम करने वाले थे वो लोग। आपके भाई कहाँ है अभी? अभी हमारे भाई PS में है अभी। आप मेरे को ये बोलिए, आप इनडायरेक्टली एलिगेशन आप एक डिप्टी मेयर के ऊपर लगा रहे बाबा फसीउद्दीन के ऊपर, तो उनका क्या रोल है इसके अंदर? उनका तो सबसे बड़ा रोल उनका ही है, वही तो सब कुछ कर रहे, वही तो करा रहे सबको, इनको कैसा भी इनको रास्ते से हटाने की कोशिश उनकी है पहली, बाबा फसीउद्दीन की है। नहीं नहीं, उन्होंने यार उनके साथ उनके चमचों को भेज रहे, उनके साथ उनके लीडरों को भेज रहे, उनके पार्टी के लीडरों को भेज रहे। 2 बजे रात को हमारा बरादर उनका चाहते उसमें, हाँ उन्होंने नोटिस भेज रहे, जो हमारे घरों में नोटिस भेज रहे, हम लोग आज बेघर होने वाले थे, हम लोग हर कोर्ट में भी जाके रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, हम लोग शाली पूरा उनका छत के ऊपर ठहरा का इल्जाम लगा रहे हैं, तो आपको कैसा मालूम? ये शाली है, शाली हमला करने भी जाए थे उन लोगों को, कोई मारा दर्द में नहीं, घर में घर पे हमला करने नहीं, बहुत बार हुआ उनके ऊपर, बहुत बार जानलेवा हमला हुआ हम लोग शरीफ भाई के ऊपर, हम लोग इंसानियत के लिए खामोश बैठ जा रहे हैं, वो इंसानियत हम लोग खामोश बैठे बल्कि हमारा फायदा उठा रहे वो लोग, हमारे पूरा भरोसा है। नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है? हाँ दिए, 2 महीने के नीचे ने कमेटी हाल करने, ये पुलिस वाले भी इनके साथ है, पुलिस वाले भी हमारा साथ नहीं दे रहे, हम 2 महीने के नीचे ये खलील ये शाली 4-5 आदमियां मिलकर आओ आओ बोल को बुला भेजे, तो कई के वास्ते कहे तो नहीं तो आना चाहना यहाँ को आना चाहना बोले तो कई के वास्ते कि बोल को गए तो क्या है उनके ऊपर पूरे 10-12 आदमियां मिलकर वहाँ हमला करे तो भाग को आ गए उन्होंने। इससे पहले भी फोन पे कुछ बहस तकरार चली थी? हाँ यही चली थी, 2 महीने के नीचे हुआ है, आना तो आना का तो कई को बुला रही बोल को गए ना, गए तो कमेटी हाल में पूरे 10-12-15-16 आदमी रहो उसको बुला भेजी वहाँ, बुला भेजे तो कई को बुलाएंगे बोल को गए तो क्या पूरा घेरा डालेंगे, तो घेरा डाल को देखते थे क्या क्या अंदाजा है बोल को क्या होना। BS में ऐसे वाले बेटे मेरे, बेटे हाँ मेरे बेटा हो तो वैसा कर को जब भी खामोश बैठे जान दो काला लेते बैठना। अब आप लोग कंप्लेंट दिए तो पुलिस वाले कुछ बोले? कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, नहीं ले रहे उन लोगों कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, तो नहीं बोल रहे स्टेशन में कंप्लेंट दिया। बाबा फंसे दिन कैसा बोले तो ना आधी रात को औरत खींच को लोग तो लाते हो पुलिस वाले, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया? यस सर नगरपति। पुलिस वाले अभी एक्शन नहीं ले, नहीं ले रहे कुछ? हाँ वो बाबा फंसे दिन की बात सुनते हो ना वो बाबा, सब कुछ कहना है भरोसा है सागर भी है। TRS का ये पार्टी है, ये TRS वाले पूरे मिलके ये कर रहे सबको, ये सागर बाबा सागर बाबा फसीउद्दीन पूरे और शाली पूरे खलील खलील पूरे। ये TRS की पार्टी से ये लोग कर रहे, TRS की पार्टी हमको बहुत दम करके रख दे रही है, हमारे भाई कहाँ भी गए तो उनको बहुत परेशानी है, अभी ये करे आगे चल के और भी करने वाले है, हमको कानून के ऊपर भरोसा है, हमको आगे से और कानून के ऊपर इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ होना है। और ये सागर भाई ज्वेलर्स पे भी केस करे थे, सागर भाई ज्वेलर्स के उनसे क्या ताल्लुक है, बाबा फसीउद्दीन को क्या ताल्लुक है, उन्होंने केस लियो बोल के हमको दबाव डाल रहे, हम लोग केस वापस नहीं लेने से और ज़्यादा हमको दबाव डाल रहे, आगे आप हमको इंसाफ दिलाएंगे, आगे से आगे इंसाफ दिलाएंगे, हमारे कानून के ऊपर पूरा भरोसा है,
ये आधे इनका बड़ा आधा है। ये टीआरएस पार्टी का उनका जो पावर है ना, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सही तरीके से ये करना, जो इंसाफ से करने जा रहे हैं उनके पीछे ये कर रहे। अब जो भी अदबन गुजारिश है के उनके लिए हमारे भैया को सही इंसाफ करिए। सीएम साहब से गुजारिश है के इनसे सही इंसाफ दिलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा, टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर नायाब शाहकार, उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है, मर्द खवातीन के लिए एक समुफीत टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर आसानी दस्तियाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश, आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।